तो गाइज वीवो Y51A के डिवाइस पर आ चुका है न्यू अपडेट। इस अपडेट का क्या साइज़ है, क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हुई है, क्या इसमें नए फीचर्स आए हैं, और साथ में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि फंटच ओएस 12 और एंड्रॉयड 12 का अपडेट आपके फ़ोन में कब तक देखने को मिल जाएगा, कंफर्म डेट के साथ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और अपडेट की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो इस अपडेट का जो ओल्ड वर्जन है वो है 1.77.3 और यहाँ पर जो नया वर्जन आ चुका है जिसका है यहाँ पर 1.77.4 और यहाँ पर जो इस अपडेट का साइज़ है वो है 131 MB और यहाँ पर ये 131 MB का अपडेट आपको मिल जाता है। और द न्यू रिलीज ब्रिंग्स यू इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी अपग्रेड नाउ। इस अपडेट के करने से आपके फ़ोन की स्टेबिलिटी और भी इम्प्रूव हो जाएगी और भी अच्छी हो जाएगी। तो इस अपडेट को आप कर सकते हैं, क्या क्या इम्प्रूव होगा अब मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको सिस्टम में यहाँ पर देखने को मिल जाता है अपडेट, जैसे कि अपडेटेड टू द अक्टूबर 2021 गूगल सिक्योरिटी पैच टू इम्प्रूव सिस्टम सिक्योरिटी। तो यहाँ पर अक्टूबर मंथ का नया गूगल सिक्योरिटी पैच यहाँ पर इम्प्रूव कर दिया गया है, जिससे आपकी सिस्टम की सिक्योरिटी बढ़ जाती है और आपका जो फ़ोन है और भी ज़्यादा सिक्योर हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद है ऑप्टिमाइज्ड द कंपैटिबिलिटी बिटवीन द सिस्टम एंड थर्ड पार्टी ऐप्स। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके फ़ोन में जो थर्ड पार्टी ऐप्स होते हैं वो आपके फ़ोन में वर्क नहीं करते, काम नहीं करते, ओपन नहीं होते। तो अब यहाँ पर इस चीज़ को ठीक कर दिया गया है। अब आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करेंगे अपने फ़ोन में तो बहुत ही आसान तरीके से आप यूज़ कर पाएंगे, बिल्कुल आसानी से आपके फ़ोन में वर्क करेगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को काफ़ी ठीक किया गया है, अच्छा किया गया, तो काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर ब्लूटूथ में फिक्स किया गया है, फिक्स द इशू वेयर ब्लूटूथ इज ओकेजनली इनेबल्ड ऑटोमेटिकली इन सम सिनेरियस। तो कई लोगों की प्रॉब्लम आ रही थी कि ब्लूटूथ जो है उनके फ़ोन में, उनके डिवाइस में अपने आप ही ऑन हो जा रहा है, यानी कि जब आप ब्लूटूथ को ऑन भी नहीं कर रहे थे फिर भी आपके फ़ोन में ब्लूटूथ ऑन हो जा रहा था। तो इस चीज़ को यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है, अब से आपके फ़ोन में ब्लूटूथ अपने आप ऑन नहीं होगा, जब आप ऑन करेंगे तभी होगा। तो ये इस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है इस अपडेट के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो इस अपडेट में काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट देखने को आपको मिल जाती है, आप इस अपडेट को अपडेट कर सकते हैं अपने फ़ोन में। और अगर आपको ये अपडेट नहीं मिला है तो कुछ ही दिन में आपको मिल जाएगा, करीब एक हफ्ते के अंदर आपको ये अपडेट मिल जाएगा अगर आपको नहीं मिला है तो। अब बात करते हैं कि आपके डिवाइस में फंटच ओएस 12 और एंड्रॉयड 12 का अपडेट कब देखने को मिलेगा। तो आपके डिवाइस में फंटच ओएस 12 और एंड्रॉयड 12 का अपडेट जनवरी मंथ के लास्ट में देखने को मिल जाएगा, यानी जनवरी के 15 डेट से लेकर 30 डेट तक, यानी 15 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में आपको जनवरी में आपके फ़ोन में एंड्रॉयड 12 और फंटच ओएस 12 का अपडेट देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑफिशियली वीवो ने अनाउंस किया है। तो ये थी आज की वीडियो में इन्फॉर्मेशन, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे।